पहले पैसा फिर भगवान, बहु देते जाना दान देते जाना, अठनी अचवनी आना दो आना। अरे इस साला भिखारी का आवाज यहाँ कैसे आ रहा है? इस साला भिखारी फ्लाइट में बैठा है क्या? लेकिन वो कैसे इस फ्लाइट में बैठ सकता है? वो तो भिखारी है, उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? लगता है हमको भ्रम हो रहा है, हमारा कान बज रहा है। काहे कि उस साला ट्रेन में नहीं बैठ सकता है तो फ्लाइट में कहाँ से बैठेगा? हमारा काने बज रहा होगा। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान देते जाना, अठनी अचवनी आना दो आना। अरे साला फिर से आवाज सुनाई दे रहा, वो भी हमारा पीछे से आ रहा आवाज। अरे तुम साला फ्लाइट में क्या करा रहे भिखारी? तुम कैसे फ्लाइट में आके बैठ गया? ये लोग तुमको कैसे ऊपर चढ़ा दिया? पहले तो साला तुम लोग ट्रेन में भीख मांगता था, अब एरोप्लेन में भी मांगने लग गया क्या? तुम लोग साला अमीर हो गया है कि आम आदमी गरीब हो गया, समझे में नहीं आ रहा। काहे टकला, हम फ्लाइट में नहीं बैठ सकते हैं, अब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, अब तक ट्रेन में ही भीख मांगते रहेंगे। कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, फ्लाइट में भीख मांगेंगे तो डॉलर में पैसा मिलेगा, इसीलिए हम लोग भी अब बड़ा सोच रहे हैं। नेट पे देखे थे एक आदमी बोल रहा था बड़ा सोचो, इसीलिए अब हम लोग भी बड़ा सोच रहे हैं। और जब हम बैठ के बड़ा सोचे ना, तब हमको पता चला कि छोटा जगह बैठ के भीख मांगने में फायदा नहीं है, मांगना है तो बड़ा जगह पे भीख मांगो, जहाँ पे बड़ा लोग जाता हो। तब हमको ख्याल आया ट्रेन के जगह फ्लाइट पे भीख मांगते हैं, ऐसे भी वो कहावत है ना, कोई भी पैसा लेके ऊपर नहीं जाता है। तो हम सोचे इस कहावत को ही हम उल्टा कर देते हैं, अब हम पैसा ऊपर में कमाएंगे लेके नीचे जाएंगे। और रहा टिकट का, तो हम भीख मांग मांग के पैसा जमा किया है, टिकट कटवाए है, काहे कि ऐसे भी मेरा बचपन से एक ख्वाहिश था कि हम भी फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में ऊपर बैठकर नीचे दुनिया को देखे, काहे कि हम ऊपर से दुनिया देखना चाहते हैं कि ऊपर से दुनिया दिखती कैसी है। जब हम ऊपर से देख रहे हो दुनिया को, तो दुनिया हमको नीचे से देखे, तब उस लोग को पता चलेगा ना कि अब हम कितना ऊपर पहुंच चुके हैं, मेरा गरीबी पे सब हंसा था। अरे ये कहावत नहीं सुने हो तुम, कौवा कितना भी साबुन से नहा ले वो कभी हंस नहीं बन सकता है, तो वैसे ही तुम भी हो। फ्लाइट का टिकट तो कटवा लिए लेकिन कपड़ा पहन के नहीं आए, नंगा ही आ गए हो और ऊपर से फ्लाइट में आके भीख मांग रहे हो। और ताजुब का बात तो ये है कि तुमको ऐसे होलिया में आने कैसे दिया ये लोग? लगता है ये लोग साला लोग को भी यही पैसा दिखता है खाली, कि पैसा दिया है तो आने दे देते हैं, कोई तौर तरीका होता है कहीं पे? अरे जब तुमको आने दे दिया तो हमको क्यों मना करेगा, तुम में और हमें फर्क ही क्या है? अरे कैसे नहीं फर्क है, हम तुमसे अलग है। अरे हाँ वो तो बहुत अंतर है, हम मर्द है और तुम कन्या है, रोते रहता है, कोई बात हो ना हो रोते रहता है। अरे चुप रहो तुम, अब चल गया तो चल गया है, ढंग से बैठो, गाना नहीं गाएगा नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। रे छोरी इधर आओ। इस सलान पर एयर होस्टेज को छोरी बोल रहा है। हेल्प मी सर। अरे इसको अंग्रेजी नहीं आता है मैडम, देख नहीं रहे भिखारी है। अरे तो साला हमको कौन सा आता है। एक्सक्यूज मी मिस टकला, लुक एट मी। अरे तुम हमको मिस क्या बोल रहा है? अरे तो क्या बोले मैडम। अरे हम मिस्टर है। किसका मिस्टर है तुम? वो आई नहीं है जिसका मिस्टर है तुम, उसको कहाँ बैठाया है? अपना दोस्त है मिलवाएगा नहीं? अरे चुप रहो तुम, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? और हमारा कौन सा दोस्त आया यहाँ पे? अरे हम है ना तुम्हारा दोस्त। अरे चुप रहो, मानेंगे एक जूता अगर हमको अपना दोबारा से दोस्त बोला तो, और हम बोले ना हमसे बात नहीं करेगा। अरे तो तुम मेरे लिए काहे बोला कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है? आई नो इंग्लिश बेटर देन यू बिकॉज आई एम लिटरेट, सिट डाउन इलिटरेट पर्सन। अरे चुप रहो, आता है ना अंग्रेजी तो अपने पास रखो। इस साला भिखारी को भी अंग्रेजी आता है, हमको ही नहीं आता है, वो साला मास्टर हमको पढ़ाई नहीं रहा बढ़िया से, क्या कोचिंग दे रहा है हमको अंग्रेजी में। हाँ तुम सुनो छोरी, गर्मी बहुत लग रहा है, खिड़की खोल दो और हो सके तो दरवाजा भी खोल दो। सॉरी सर, दरवाजा और खिड़की को नहीं खोल सकती हूँ, एसी चल रही है। अरे तो जब खोल ही नहीं सकती हो तो खिड़की और दरवाजा लगवाई क्यों हो? अरे साला तुम ट्रेन और बस में नहीं बैठा है जो खिड़की खोल देगा, एसी चल रहा है ना, एसी का हवा खाओ। अरे एसी कहाँ है, कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। रे छोरी कहीं ऐसा तो नहीं हमसे एसी फ्लाइट का पैसा लेके हमको नॉन एसी फ्लाइट में लेके चल रही हो? इसमें भी तो स्लीपर और एसी कोच नहीं होता है, सही सही बताओ, हमको स्लीपर से जल्दी से एसी कोच में भेजो, गर्मी लग रहा है। अरे कैसा स्लीपर है, यहाँ पे तो पंखा भी नहीं है, हम तो सुने थे फ्लाइट ट्रेन से अच्छा होता है, ये कोई अच्छा है, ये तो गंदा लग रहा है। बस तुम लोग खाली घूम रही हो, वो भी हमको तुम लड़की लग नहीं रही हो। रे पागल रे, क्या उल्टा सीधा एयर होस्टेस को बोल रहा है तुम, ये वो लड़की नहीं है, जो मन में आएगा वो बोलेगा, मार के दे तोड़ देंगे। अरे तो तुम ही देख के बताओ, ये तुमको लड़की लग रही है,
हमको नहीं लग रही है तभी हम बोले। मोहतरमा इधर देखिए तो। अरे क्या तुम तो काला कद्दू है, तुम कब से एयर होस्टेस बन गया? अरे टकला तुम सही पकड़ा, हमें काला कद्दू, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, अगर बताया तुम टेटुआ दबा देंगे। बड़ा मुश्किल से ही जॉब लगा हमको, ये सस्ता फ्लाइट है इसीलिए हमको जॉब मिल गया, नहीं तो एयर होस्टेस को पैसा देता है फ्लाइट वाला सब 50,000 लाख रुपया। ये फ्लाइट वाला के पास ज्यादा बजट नहीं था इसीलिए हमको 2,000 में रखा है, बोला बाल लगा कराना, और अगर कोई आवाज पहचान जाए कि लड़का का आवाज है तो बोल देना हमारा बचपन से ऐसी आवाज है। और हम भी 2,000 में काम करने के लिए इसलिए रेडी हो गए, ताकि फ्लाइट में घूमने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, रईस लोग से मिलेंगे, उस लोग का बच्चिया लोग से भी मिलेंगे लड़की बनकर। लेकिन एक बात बोल रहे हैं फिर से, अगर बताया तो बढ़िया नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुमको जहर मिलाकर दे देंगे, यही मर जाएगा। अरे साला काला कल उठा, तुम लड़की का ड्रेस पहन के सबको धोखा दे रहा है कि तुम लड़की है, ये तो तुम कस्टमर लोग के साथ चीटिंग कर रहा है, फ्लाइट में कस्टमर लोग पैसा दे के इतना विश्वास पे आया है और तुम धोखा दे रहा है। अरे है टकला तुम्हारा क्या जाता है, अगर ये बच्चा 2 पैसा कमा रहा है तो तुम फ्लाइट में सफर करने आया है कि लड़की ताड़ने आया है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बिना पंखा और एसी वाला कोच में तुम इसीलिए आया है ताकि लड़की ताड़ सको, तभी तो तुम लोग फ्लाइट में नहीं चढ़ता है। अरे चुप पागल साले, बिना पंखा वाला तब से कल करके माथा खा गया है, एसी लगा हुआ है, तुमको ढेरी गर्मी लग रहा है तो हम क्या करें, और ज्यादा गर्मी लग रहा है तो नीचे कूद जा जाके हवा लगेगा अपने बाहर। अरे तुम चुप रहा रे पागल, रे छोरा चलो हमको शरबत पिलाओ। अरे ये क्या है रे, एक शरबत देने के लिए तुम स्कूटर लेके आया है, फ्लाइट में कब से स्कूटर चलने लग गया? ये बात अलग है कि हम पहली बार बैठे हैं, लेकिन हमको पता है फ्लाइट में स्कूटर नहीं चलता है, इतना बगल में चलने के लिए भी तुमको स्कूटर लगेगा? अरे आपको पता नहीं है आजकल लोग जिम जाता है वेट घटाने के लिए और बाइक लेकर जाता है, और फील्ड में जाता है दौड़ने के लिए बाइक लेकर जाता है, पड़ोसी के यहाँ जाता है बाइक लेकर जाता है, इतना बढ़िया से पर्यावरण का ख्याल रख रहा है, तेल फूंक रहा है, तो हमारा सस्ता कंपनी का फ्लाइट भी सोचा, जहाँ इतना प्रदूषण सब कोई मिलकर फैला रहा है, थोड़ा हम लोग भी फैला देते हैं तभी ना इस फ्लाइट का जो एयर होस्टेज का सर्विस है वो अलग लगेगा, हम लोग स्कूटर से सर्विस देंगे और एयर होस्टेज में लड़की की जगह लड़का रखा है, ताकि ये भी थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट हो। अरे बेटा सीधा सीधा बोलो ना, तुम लोग सब कोरिया हो चुके हो, मशीन के ऊपर डिपेंड हो चुके हो, हर काम के लिए तुम लोग को मशीन चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अरे ये साला भिखारी फिर से गाना चालू कर दिया और अब तो डांस भी कर रहा है। जब नींद आए न रातों को रानी, करने लगे तंग तुझको जवानी, धड़कन सताए जादू जगाए, मौसम करे छेड़खानी, जब जुबना पे आए निखार हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, जब हद बढ़ने लगे बेकरारी, जब उम्र जाए न तन्हा गुजारी, जब हद बढ़ने लगे बेकरारी, जब उम्र जाए न तन्हा गुजारी, नजदीक आके तन से मिला के कर लेना तुम बात सारी, ना करना कभी इंतजार हमारी गली आ जाना। अरे इस साले का रेडियो बंद ही नहीं हो रहा, यही हाल होगा, ऐसा लोग को फ्लाइट पे चढ़ाएगा ना तो यही हाल होगा, बढ़िया लोग कभी चढ़ेगा ही नहीं इसका फ्लाइट पे, सस्ता फ्लाइट है ना तो सस्ता ही लोग चढ़ेगा, हम तो साला गलती कर दी इस फ्लाइट में टिकट कटा के, कोई दूसरा फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए मजबूरी में कटवाना पड़ा। हमको तुमसे प्यार है दिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल तेरा इंतजार है, तेरे बिनो जानम नींद भी आती नहीं, चैन भी आता नहीं, जान भी जाती नहीं, दिल तेरा बीमार है 103 बुखार है, आजा मेरी लैला तेरा इंतजार है। चल पैसा दे ना रे, खाली गाना सुन रहा फकीर कहीं का, फेरी में गाना थोड़ी ना सुना रहे है, पैसा दे दे। लड़की है हसीन तू, दिखने में नमकीन तू, तेरे हंसने से लगे तबीयत की रंगीन तू, बंगला नदी के पार है,
होंडा भी तैयार है, आजा मेरी सोनी तेरा इंतजार है। रे साले रे, मार के भगाएंगे तुमको, हमारे सामने गाना नहीं गाएगा, हटो। लोग हमको देख के भी हंसेगा, तुमको बोले ना हमको तंग नहीं करो। अरे हंसेगा तो अच्छा है ना, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे अभी साले तुम्हारा सेहत बिगाड़ते हैं, बहुत तुम्हारा हो गया। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, गरीब को मारता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ क्या हो रहा है, फ्लाइट है ये, क्या मछली पट्टी बना के रखा है इसको तुम लोग, काहे झगड़ा कर रहे, धक्का मार के नीचे फेंक देंगे दोनों को। अरे गोला के तो तुम इस फ्लाइट का कैप्टन है, तुम लोग का साले कुछ समझे में नहीं आता, नहीं पढ़ाई किया नहीं कुछ किया, तुम लोग को कोई भी नौकरी लग जाता है। अरे कद्दूपुर में जब अनपढ़ लोग नेता बन जाता है तो हम लोग के जैसा ही लोग को नौकरी भी लग जाता है। आप चुप करके रहो, तमाशा लगा के रखियो, क्यों कर रहे हो झगड़ा। अरे तुम लोग का कोई फ्लाइट है, बिग मंगाला को चला दिया, ये तब से परेशान कर रहा है, गाना गा रहा है, दिमाग खराब करके रखा है। बिग मंगा तुम इधर आओ, इधर आओ, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ। अरे हम बैठे थे गाना गा रहे थे, भीख मांगी भीख नहीं दी, हमको मारने लग गया। आप ही बताइए मेरा गलती है कि उसका गलती है, उसको नहीं देना था तो मना कर देता ना, लड़ाई पीट कर रहा है। अच्छा अच्छा तुम गुस्साओ नहीं, गुस्साओ नहीं, हमको कमीशन देना, हम सेटिंग करते हैं, तुम फ्लाइट देखो तब तक, हम तब तक टकला को समझा के आते हैं। अरे गोला का तो कैप्टन, तुम यहाँ के कैसे बैठ गया, फ्लाइट कौन उड़ा रहा है जब तुम यहाँ है तो। अरे फ्लाइट वो बिगमंगा उड़ा रहा है ना, उसको बैठा के आया, उसको समझा दी, अब तुमको भी तो समझाएंगे, नहीं तो वो दोबारा आएगा फिर तुम झगड़ा करने लगोगे, बताओ तुमको क्या दिक्कत है। अरे हमको नहीं पसंद आ रहा है, वो भिखमंगा को निकाले यहाँ से, डिस्टर्ब करके रखा है। अरे डिस्टर्ब कहाँ किया है, तुम उसको पैसा दे दो ना, $100, इतना तो पैसा वाले हो तुम, गरीब को पैसा नहीं दोगे तो क्या ऊपर ले जाओगे, इससे ऊपर नहीं ले जा पाओगे। अरे नहीं देना हमको, हम फ्लाइट पे चढ़े हैं, भीख देने के लिए नहीं चढ़े हैं। अरे भीख देने के लिए नहीं चढ़े हो तो क्या लेने के लिए चढ़े हो। अरे ना लेना है ना देना है, क्या बकवास कर रहे हो, जाके अपना फ्लाइट चलाओ, दिमाग नहीं खराब करो। अरे कैप्टन साहब ये नहीं ना माना, नहीं मानेगा, चोर है साला। अरे तुम भी आ गया, तुम्हारा एरोप्लेन कौन उड़ा रहा है, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम लोग एरोप्लेन उड़ाने कैसे आता है, अरे भिखमंगा उड़ा कैसे रहा था। अरे तुम फ्लाइट को गोली मारो, ये बताओ पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो नीचे फेंक देंगे। अरे ये क्या धांधली, अरे ऐसा तो नहीं, तुम्हें लोग इस भिखारी को जॉब दिया यहाँ पे ताकि कमीशन ले सको। अरे जल्दी समझ में आ गया टकला तुमको, अब जब समझ में आ गया तो पैसा दे दो, हम लोग को यहाँ पे तनख्वाह कम मिलता है तो हम लोग अपना जुगाड़ लगाए पैसा कमाने का, हम पायलट है, हमको 5,000 रुपया मिलता है, काला कद्दू एयर होस्टेज है उसको सिर्फ 2,000 रुपया मिलता है, ऐसे में घर कैसे चलेगा, इसीलिए हम लोग इस भिखारी को यहाँ पे रखे है, ये अपना घर भी चलाएगा हम लोग का भी चलाएगा, तुम योगदान करेगा तब ना हम लोग का घर चलेगा। अरे साले तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम साला हम लोग को छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन अब हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया तुम्हारा, मारा रे गोला कद्दू इसको। अरे रे छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ो, सब मिलकर हमको मारा है, निकाल लो इसका पॉकेट से जितना पैसा है, $100 नहीं दे रहा था, जितना पैसा सब निकाल लो।